आज हम अपकमिंग गेम्स की बात कर रहे हैं जो कि मोबाइल्स के लिए आ रहे हैं और ये ओपन वर्ल्ड गेम्स हैं ऐसे गेम्स हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं अब ओपन वर्ल्ड गेम्स को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है तो ये वो होते हैं जहाँ फ्रीली कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो मतलब आप अपनी मर्जी से मिशन स्टार्ट कर सकते हो और अगर मन नहीं है तो फ्री रोम भी कर सकते हो तो आज हम टेन ऐसे ही ओपन वर्ल्ड गेम्स की बात करने जा रहे हैं जो कि मोबाइल के लिए अवेलेबल होंगे इस साल ये एंड्रॉड पर रिलीज़ हो रहे हैं और साथ साथ आईओ पे भी रिलीज़ होंगे ऑलमोस्ट तो आप देख रहे हो गेम्स दो से पे लेजी असैसन और बिना किसी तरीके के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यूबी अपने अपने डिविजन गेम को मोबाइल प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज करने जा रहा है Ubisoft ने पहले भी और ट्रायल्स पे कुछ स्पिन ऑफ गेम्स बनाए हैं मोबाइल के लिए लास्ट ईयर में ट्वेंटी में बताया गया था कि गेम अभी डेवलपमेंट में है जिन फ्रेंचाइज को एक्सपैंड करने के और भी बनाए हैं जैसे कि द डिजन की एक फ्री टू प्ले टाइटल एक नेटफ्लिक्स सीरीज और द डिवीन मोबाइल टॉम क्लैंसीज द डिवीजन मोबाइल इस ईयर दो के एंड में रिलीज हो सकता है गेम की बात करें तो इसमें एक फ्यूचर ओपन वर्ल्ड को दिखाया जाएगा जहां पर एक ह्यूज पैंडेमिक हिट किया है इसी से रिलेटेड हमें इसमें एक्शन देखने को मिलेगा और एक ऑनलाइन एक्शन आरपीजी

कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया और फिलीपींस में शुरू हो गई थी बैटलफील्ड मोबाइल का लॉन्च 2022 के फर्स्ट हाफ में एक्सपेक्टेड है गेम अभी एंड्रॉइड डिवाइसेस में बीटा टेस्टिंग के लिए अवेलेबल है और इसकी आईओएस अवेलेबिलिटी में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है आपको पता ही होगा कि बैटल एक ओपन वर्ल्ड फर्स्ट पर्सन शूटर गेम सीरीज है तो बैटल मोबाइल भी सिमिलर पाथ को ही फॉलो कर सकता है और इसका प्राइस भी फ्री रहेगा गेम लॉफ्ट मोबाइल डिवाइसेस के लिए बहुत ही पहले से गेम्स बनाते आ रहे हैं आपको याद ही होगा कि वो नौकरी के बटन वाले फोन्स में हमने एक्सल जैसे गेम्स बहुत खेले हैं अभी की बात करें तो गेम लॉफ्ट की गैंगस्टर सीरीज बहुत ही अच्छी चल रही है और इनको लोग बहुत ही पसंद करते हैं इन गेम्स में जीटी जैसे ओपन वर्ल्ड की वाइब्स होती है सीरीज में गैंगस्टर वेगस गैंगस्टर न्यू ऑलियन जैसे गेम्स आ चुके हैं और अब ट्वेंटी में हमें गैंगस्टर न्यूयॉर्क गेम भी देखने को मिलेगा लाइक अदर गैंगस्टर गेम्स ये वाला गेम भी ओपन वर्ल्ड गेम होगा जहां आपको इसमें कैसे भी प्ले करने की फुल फ्रीडम होगी ये गेम पीसी के लिए शेड्यूल्ड है और पीसी और मोबाइल के लिए इसका लॉन्च फर्स्ट हाफ ऑफ में एक्सपेक्टेड है गैंगस्टर न्यूयॉर्क का हमें फुल ट्रेलर देखने को मिल गया है और उसके विजुअल्स और एवरमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और ये हाई टेक है थोड़े से जैसे वॉच वॉचडॉग्स लीजन में थे अगर इस गेम को आप नोटिस करोगे तो ये अपने पुराने गेम्स के कम्पेरिजन में ग्राफिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेटर हो गया है ये गेम भी दोनों एंड्रॉयड और आईओ यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा इस जी को मोबाइल में खेलना कौन पसंद नहीं करेगा माना कि रॉक गेम्स का पुराने टाइटल्स को एनास करने का उतना चला नहीं लेकिन ट्रस्ट में गेम्स मोबाइल के लिए वन ऑफ द बेस्ट गेम्स हो सकते हैं इन 2022। इस ट्रेलॉजी के तीनों गेम्स के ओरिजिनल वर्जन को मोबाइल में काफी टाइम पहले पोर्ट किया गया था लेकिन ये गेम्स फोन के लिए उतने बेटर ऑप्टोमाइज नहीं थे जितना उन्हें होना चाहिए था डेफिनेटिव एडिशन में हमें मोबाइल डिवाइस में अच्छे ग्राफिक्स और पहले से बेटर गेम प्ले पेट्रोल देखने को मिलेंगे ही जैसे कि पीसी और कंसोल वर्जन में हमें देखने को मिले हैं एंड जो बक्स पहले पीसी वर्जन में आए थे वो भी शायद अब पहले से फिक्स हो गए होंगे इनका लॉन्च फर्ट में है और डिजिटॉलोजी भी दोनों ने साथ करना है आप ऑनलाइन प्लेयर के साथ उनके तो साथ अपने सर्वाइवल में एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हो मुझे इसका इंटरेस्टिंग लगा वैसे ऐसा पहले के भी कुछ गेम्स में देखने को मिला था लेकिन आपको पता है की गरीना और

और मैं तो इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं आप हो या नहीं मेरे को बताना कमेंट्स में नेक्स्ट हमारी लिस्ट में किमरल लैंड आता है ये भी एक ओपन वर्ल्ड सैंडबॉक्स आरपीजी गेम है और ईस्टर्न मैथोलॉजी पे बेस्ड है और इसमें एक बाउंडलेस यूनिवर्स दिखाया गया है जहाँ पे आपको चार कॉन्टीनेंट एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है विद वन ऑफ अ काइंड मिथिकल फीचर्स इसमें करेक्टर कस्टमाइजेशन भी बहुत है और गेम के कुछ मिथिकल फीचर्स को कैप्चर करके एज अ पेड भी आप रख सकते हो गेम देखने में बहुत ही फोटो रियलिस्टिक है और हिप्टोनिक टाइप का भी लग रहा है और अभी ये फेजेज में रिलीज हो रहा है अलग अलग कंट्रीज में अभी ये गेम सिंगापुर इंडोनेशिया और हाईलैंड जैसी एशियन कंट्रीज में लॉन्च हो गया है और इंडिया में भी इसकी लॉन्च बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है इन कंट्रीज़ के का रिव्यू से हमें पता चल रहा है कि गेम काफी ज्यादा बढ़िया और एंड्रॉइड एंड and लिए अवेलेबल होगा इसके सिस्टम साइड पे बहुत तो तो ही था आपने के बारे में इस तो साल हमें मोबाइल भी देखने को मिलने वाला है और इसका बीटा स्टार्ट होने वाला है बीटा एक्सेस सबसे पहले इंडिया और फिलीपींस को तो मिलेगा तो और धीरे धीरे बाकी कंट्रीज में भी अवेलेबल होगा लॉन्च टाइमलाइन मार्च टू के बीच बताई जा रही है और टाइम पीरियड में सिर्फ एंड्रोइ के लिए अवेलेबल होगा iOS के लिए एंड ऑफ 2022 तक ये गेम एक्सपेक्ट कर सकते हो गेम की बात करें तो ओरिजिनल गेम की तरह ओपन वर्ल्ड की तरह के लिए भी एक गेम फ्री रहेगा हमारी ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है और इसमें भी पोस्ट को शोकेस किया गया इस गेम में इन वन टू के से बहुत ही एडवांस इन्वा दिखाया है और यहाँ हमें एलियंस के साथ वॉर जैसे दिखाए गए हैं एलियन से फाइट करने के लिए हमारे पास एडवांस वेपन्स और म्यूटेशन जैसी टेक्नोलॉजी भी है और धीरे धीरे वर्ल्ड सिविलाइजेशन हो रही है तो हमें उसको ऐसा होने से बचाना होगा इसके विजुअल्स भी काफी हाईटेक साइबरपंग थीम जैसे हैं। वैसे मैं यहाँ पे साइबरपंग ट्वेंटी गेम की बात नहीं कर रहा साइबरपंग बेसिकली एक अलग जॉनरा है जिसका मतलब टाइप साइफाइट विद नियन लाइट जिससे काफी अलग किस्म के विजुअल्स दिखते हैं तो वाइज ये थी हमारी टेन अपकमिंग ओपन वर्ल्ड गेम्स की लिस्ट 2022 में मोबाइल फोन के लिए बहुत ही अमेजिंग गेम्स आ रहे हैं जिनके वेट करना बिल्कुल ही वर्थ रहेगा आप इनमें से कौन सा गेम के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे बताना कमेंट्स में बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब कर दो तब तक ले डाटा बाय बाय